What is Google Stadia? If you are a gamer, you should watch this video till the very end. अभी रिसेंटली GDC 2019 जो कि 19th ऑफ मार्च को हुआ था, सुंदर पिचाई ने हमें प्रोजेक्ट स्ट्रीम के बारे में इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम गूगल। तो एक ये टाइप की क्लाउड गेमिंग सर्विस है गूगल स्टेडिया, जिसमें आप गेम्स को स्ट्रीम एज वेल एज प्ले कर सकते हो। तो ये होगा क्या कि आप अपने कोई से भी डिवाइस, वेदर इट्स एन मोबाइल फ़ोन या वो एक क्रोमबुक हो या वो मोनीटर या PC या टैबलेट हो, आप अब कोई भी गेम 4K 60 FPS तक इजीली खेल सकते हो। आपको अपने कोई हार्डवेयर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, गेम्स को कोई डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली स्ट्रीम होगी आपके मॉनिटर पर और आप उसे प्ले कर सकते हो। तो ये होगा कैसे कि आप एक मान लो किसी गेम में और आप कोई कमांड देते हो गेम को, अपने प्लेयर को मूव कराने की, तो वो कमांड जाएगी गूगल के डाटा सेंटर्स में, वहाँ वो प्रोसेस होएगी कमांड, देन इट विल कम बैक टू यू आपके मॉनिटर पे। तो ऐसे ये काम करेगा और इसके लिए हमें फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। सो मेन रिक्वायरमेंट इसमें फास्ट इंटरनेट कनेक्शन है। और जो इन्होंने बताया है कि एट लॉन्च ये 4K 60 FPS तक खेल सकते हैं, और जो इसका फ्यूचर होगा, कि थोड़े टाइम बाद आप इसको 8K 120 FPS तक इंजॉय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होगा इस मामले में। और इसी के साथ साथ गूगल ने अपने कंट्रोलर्स लॉन्च किए हैं, क्योंकि एक कंट्रोलर लॉन्च किया है और ये वाईफाई से आपके कनेक्ट हो जाएगा और आप कोई भी गेम इसके साथ खेल सकते हो। और इसमें दो ऑप्शन है, बटन है, एक गूगल असिस्टेंट का एंड एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जिससे आप डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हो। तो गूगल ने इसमें 3 वेरियंट लॉन्च किए हैं साथ के साथ। और ये भी बताया है कि आप अगर ये कंट्रोलर नहीं लेना चाहते, आप कोई और दूसरा कंट्रोलर के साथ खेल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने अपने जो लॉन्च में गेम खेली थी GDC 2019 में, जो इन्होंने गेम खेली थी वो खेली थी इन्होंने Assassin's Creed Odyssey। हालांकि इन्होंने कहा है कि डूम भी खेल सकते हैं, जो कि लॉन्च से पहले ही होगा, डूम और Assassin's Creed Odyssey। तो इसका क्या है, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन होने वाला है प्लान, और ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, लाइक फॉर डेवलपर्स, फॉर व्यूअर्स एज वेल एज फॉर गेमर्स। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है एंड इट विल हेल्प एवरीवन। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है, बट ऐसी चीज़ पहले हो चुकी है। हाँ, ये कोई पहली बार नहीं है। PS4 ने, सोनी ने अपनी एक ऐसी सर्विस लॉन्च की थी जुलाई 2014 में, PlayStation Now करके। तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था, तो उस वो भी काफ़ी सिमिलर है इस सर्विस से, गूगल स्टेडिया से। तो सो मेन कंपटीटर आफ्टर लॉन्च ऑफ स्टेडिया तो होगा, वो होगा PlayStation Now, जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन $14.99 है, ₹1400 to ₹1500 है, जो कि पे करनी पड़ती है हर मंथ, या आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान होता है वो भी करनी पड़ेगी। ये एक इसकी डिसएडवांटेज है, अगर आपका इंटरनेट वीक होता है तो आपकी पूरी गेम अटक जाएगी, लाइक यू कांट प्ले दैट गेम इफ़ यू हैव बैड इंटरनेट कनेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है, क्योंकि इंडिया में इतना इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्टिविटी है, बट ग्रोथ नहीं है इतनी ज़्यादा, स्पीड नहीं है। तो जो कि ये वैसे लॉन्च हो रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, जो लॉन्च होगा वो सिर्फ हो रहा है US, कैनेडा, UK और यूरोप में, जो कि 2019 में लॉन्च हो जाएगा। हाँ, हालांकि ये बाद में हर जगह अवेलेबल होगा, लाइक हर गूगल की सर्विस जैसे होती है, ये हर जगह होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी आगे गेमिंग के लिए। तो यही तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर कंटेंट। टिल देन, पीस।